हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मटर और आलू की स्पाइसी गुरानी, जो बहुत ही इजीली बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, ये यूपी की बहुत ही फेमस डिश है, तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने हमीदास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ हमीदास किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हरे मटर और आलू की गुनानी बनाने के लिए हम एक बर्तन में एक चम्मच ऑयल लेंगे, थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे, दो चुटकी हींग, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च। जीरा हल्का लाल होने पर अब हम इसमें हरी मटर डाल देंगे। इसे हमने फ्रेश पानी से धो लिया है और ये हमने एक कटोरी हरी मटर ली है और इसे हम एक मिनट तक पकाएंगे। इसमें एक से दो मिनट में मीडियम फ्लेम में हमारे मटर फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम दो मीडियम साइज के बॉइल्ड आलू डालेंगे। इसे हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे एक बार। इसमें हम थोड़े से रेड चिली पाउडर भी डाल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, चाट मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक नींबू का रस, इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी धनिया डालेंगे और इसे लास्ट में एक बार मिक्स कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे हरे मटर और आलू की स्पाइसी बुरानी रेडी हो चुकी है। अब इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे हरे मटर और आलू की स्पाइसी गुरानी बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही ईजिली बन जाती है। इसे बनाने में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप ईजिली इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये छोटे बच्चों को हो या बड़ों को, सबको बहुत ही अच्छी लगती है और ये यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस है। आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमीदास किचन को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे रेसिपी के बारे में हमें कमेंट भी भेज सकते हैं। अब हम आपको मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू।